लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका। सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142 7696286065। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस प्रोग्राम में। दोस्तों, द एस्ट्रो ओपीडी प्रोग्राम लेकर हम हर रोज हाजिर होते हैं इसी समय इसी चैनल पर आप सभी के लिए जो दुख तकलीफों में घिरे हुए हैं। तो इन दुखों तकलीफों से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, इसके लिए हम यहाँ पर अक्सर बुलाते हैं हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील कुमार जी को। और आज भी अपने आइडियाज के साथ, अपनी नई नई बातों को लेकर हमारे लिए कुछ नए टिप्स के साथ हाजिर हैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार जी। सुनील जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। सुनील जी, हम अक्सर सुनते आए हैं कि हमें दान पुण्य करना चाहिए जी। अगर वाकई में अपना जो जीवन है उसे सफल बनाना है जी। लेकिन जिस तरह आपको याद होगा, एक बार जब दान पुण्य की बात चल रही तो आपने बीच में टोका कि हम जो एक एपिसोड है इसके ऊपर पूरा कवर करेंगे। तो बताइए कि जैसे मीन्स जो दान पुण्य है वो किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका सही ढंग क्या है? मैंने एक प्रॉमिस भी किया था और एक आपसे वादा किया था कि मैं एक दान पुण्य के ऊपर एक एपिसोड करूंगा कि किसको क्या दान करना चाहिए और किसको क्या दान नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप यहाँ आपने दान किया और वहाँ आपका कोई ना कोई काम जो है बिगड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दान नहीं करना चाहिए, दान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के अगर करें, हम थोड़ा सा ध्यान रख के करें कि कौन सा दान करना चाहिए किसको, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में जो आप पुण्य करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको पुण्य ही मिलेगा, उसका पाप आपको नहीं मिलेगा। होता क्या है कि हमारे अंदर श्रद्धा बहुत है, हम किसी गरीब इंसान को देखते हैं या किसी को हेल्प मांग रहा है उसको देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम किसी न किसी तरह से उसकी मदद करें। ऐसे इंसान बहुत रेयर होते हैं जो दिल से किसी की हेल्प करते हैं। कई लोग तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए दान कर देते हैं कि हमें बोला गया था तो हमें दान करना है, वो दान कभी नहीं लगता। खैर, आज हम बात कर रहे हैं कि दान कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। ध्यान से सुनिए इस एपिसोड को, और अगर आप ये दान करने की वजह से आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये आप आज से ही बंद कीजिए। दान ज़रूर कीजिए, लेकिन इस शो को सुनने के बाद, इस जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको देने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद, सिर्फ वो चीज़ें बंद कर दीजिए जो आपको हो सकता कहीं ना कहीं नुकसान कर दी हूँ। दान किसको कौन सा करना चाहिए और किसको कौन सा नहीं करना चाहिए। मेष राशि जिसका मालिक मंगल है, ऐसे इंसानों को कभी भी मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। मैं अभी यहाँ प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी मंगल की पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस घर में वो होगा या किस घर में नहीं होगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि मेष राशि वालों को क्या दान नहीं करना चाहिए। मेष राशि वालों को गुड़, शक्कर, तांबा, ऐसी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बात करूंगा वृष राशि जिसके मालिक शुक्र हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ राशि की बात कर रहा हूँ। वृष राशि वालों को सफ़ेद चीज़ें जैसे सिले हुए कपड़े, खास करके सफ़ेद, किसी को दान में नहीं देने चाहिए। वृष राशि वालों को बर्फ़ी, जो खोए की मिठाई बनती है सफ़ेद, वो कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद रंग की कोई भी आइटम उनको दान नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बात करूंगा मैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि का जो मालिक है वो बुध है, इनको बुध से रिलेटेड कोई चीज़ दान नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी हरी चीज़, हरी मूंग की दाल, जो आप रूटीन में शायद कर भी रहे होंगे या हो सकता है आप पंछी को भी डाल रहे हो, मिथुन राशि वालों को ये चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। देखिए, यहाँ बात हो रही है राशियों की, अगर मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ और बता दूं बीच में, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्टार्ट में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो नीच के जो ग्रह होते हैं, जो नीच के प्लैनेट होते हैं, उनके दान किए जाते हैं। एक मेरे पास केस आता है
इंसान बोलता है आके मेरे पास, एक कोई फैमिली आई मेरे पास, वो बोलते हैं सर हमारे जो गांव में हमारे पंडित जी हैं उन्होंने हमें कहा कि आपका ये नीच का ग्रह है, इसका आप नग डालो और आपको जो है इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है नलीफाई हो जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ हफ्ता 10 दिन डाला, उसके बाद रिजल्ट उनके सामने थे, क्योंकि नीच प्लैनेट्स का ही दान होता है, उच्च के प्लैनेट्स का दान, उच्च के ग्रहों का दान कभी भी नहीं किया जाता। सीधी सी बात है, समझिए इसको, लॉजिकली समझिए। एक आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में कुछ पैसे ऑलरेडी कम हैं, आपके अकाउंट में सपोज कीजिए 1 लाख रुपया पड़ा है सिर्फ, ठीक है, दान आपका दिल कर रहा है कि मैं निकाल के 2 लाख का कर दूं, तो वो कैसे, कहां से पूरा होगा? नीच प्लेनेट जो होता है वो ऑलरेडी इस पोजीशन में बैठा होता है कि उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ ये बता दूँ कि जो नीच के ग्रह होते हैं सिर्फ दान उनका किया जाता है, जो उच्च के ग्रह होते हैं उनका दान कभी भी नहीं किया जाता। इसके साथ साथ उच्च के प्लैनेट के जो अगर डिग्रीकली बहुत स्ट्रांग है प्लैनेट, बहुत ग्रह बहुत शक्तिशाली है, उसकी डिग्री बहुत स्ट्रांग है, तो उसके नग भी नहीं डाले जाते। मैं एक पूरा एपिसोड करूँगा कि नग डालने से, जब आप किसी की एडवाइस के बिना नग डाल लेते हैं या किसी कम नॉलेज वाले इंसान की एडवाइस लेके आप नग डाल लेते हैं, उच्च का ग्रह होता है उसका आप नग डाल लेते हैं, आपके शरीर में उसको वो नग जो है आपको बीमारी कौन सी लगा सकता है। इसलिए आज हम दान की बात कर रहे हैं, हम दान की बात पर ही स्टिक रहेंगे। बात करूंगा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को दूध का दान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मालिक चंद्र है, और चंद्र जिसका वीक होता है उसको कभी भी ऐसा दान नहीं करना चाहिए जो उसके चंद्र को और कमज़ोर करे। मन कमज़ोर है तो सब कुछ वीक है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर चंद्र कमज़ोर है तो आप कहीं भी स्टेबल नहीं हो, आपका कोई काम नहीं चलेगा, आप कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप दिमाग नहीं लगा पाओगे, आपकी सलाह जो आपने ली हुई है, जो फैसला आप लोगे किसी से सलाह करके, वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर जाएगा। चंद्र को स्ट्रांग करके रखिए। ऐसे इंसान दूध का दान, सफ़ेद चीज़ों का दान बिल्कुल ना करें। बात करूँगा सिंह राशि वालों की। सूर्य का दान किसको जो हो नहीं करना चाहिए, जिनका लगन जो लियो है, जिनका लगन सिंह है, उनको कभी भी जो गेहूं है ऐसा उसका दान नहीं करना चाहिए, इनको तांबे का दान नहीं करना चाहिए, इन लोगों को कोई भी ऐसी चीज़ का दान नहीं करना चाहिए जो सूर्य के साथ जुड़ी हुई है। शक्कर का दान भी, शक्कर जो गुड़ वाली शक्कर होती है, उसका दान भी इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बशर्तिया की प्लेसमेंट कहाँ है वो बात की बात है, लेकिन सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे लगन वालों को, ऐसे राशि वालों को, लोगों को दान इसका नहीं करना चाहिए। सूर्य का दान अगर आप कर लेते हैं, ऐसे लोग अगर सूर्य की चीज़ों का दान करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट से कभी फेवर नहीं मिलता, उनको पेनल्टीज़ पे पेनल्टीज़ पड़ती हैं, उनको ऐसे ऐसे फ़ाइन पड़ते हैं सरकार के घर से, ऐसे ऐसे फ़ाइन पड़ जाते हैं राज दरबार से जो उन्होंने सोचे भी नहीं होते। रास्ते में जा रहे हैं कि आपका, आपकी गाड़ी रोक ली, चलान हो गया, कोई ना कोई योग होगा जो आपका पैसा आपके पर्स में से निकल के बाहर चला गया। इसलिए दान कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप दान नहीं करेंगे तो जो लोग भूखे हैं, जो लोग जिनको बहुत ज़रूरत है खाने की, कपड़े की, हर चीज़ की, वो किधर जाएंगे? उनको आपके दान की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ऐसा दान कीजिए जो आपके कुंडली के हिसाब से बना हुआ है। दान नुकसान कहाँ कर जाते हैं, जब आप ऐसे दान कर जाते हैं जो आपकी कुंडली में नहीं होते हैं, ये गरीबी तक ला देते हैं, गरीबी तक के योग ये एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए दान जो होते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से कीजिए। अब मैं बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जिसका मालिक बुध है, इनको भी हरी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। जैसे वर्गो राशि की बात मैं कर रहा था, मैंने कहा था कि इनको ग्रीन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, ऐसे ही इनको कोई भी मूंग की दाल, हरा कपड़ा या हरे रंग की कोई चीज़ दान में नहीं देनी चाहिए। ये दान किसको होता है? ये दान होता है आप जो बाहर जाके लोगों को करते हैं, किसी असाइलम में करते हैं, किसी गरीब भिखारी को करते हैं या गरीबों को करते हैं, मैं उस दान की बात कर रहा हूँ। जो मंदिर में होता है वो दान नहीं होता, जो आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं वो दान नहीं होता। हमारी इतनी, किसी भी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि कोई भगवान को जाके दान दे दे। हम तो उनसे मांगते हैं, वो देने वाले हैं। दान कभी भी मंदिर में नहीं होता, वो आपकी श्रद्धा होती है, आप जो चढ़ाते हैं। दान सिर्फ उन लोगों को होता है जो हेल्पलेस हैं, जिनकी आप हेल्प करना चाह रहे हैं, दान उसको बोलते हैं। तो मैं इसी दान की बात कर रहा हूँ। मंदिर में चढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर गरीबों में दे रहे हैं, किसी हेल्पलेस बंदे की हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसा दान आप मत कीजिए। बात करूँगा तुला राशि वालों की। शुक्र जिनके मालिक हैं, इन लोगों को भी सफ़ेद सिला हुआ कपड़ा किसी को दान में नहीं देना चाहिए।
ऐसा किया हुआ दान आपके शुक्र के जो फल होते हैं उसमें कमी करता है, सुखों में कमी करता है, आपको जो सुख मिलने होते हैं उसमें कमी कर देता है। तो ऐसा दान आपको शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी नहीं करना चाहिए। बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों की, जिसके मालिक हैं मंगल। मंगल वालों को, जैसे मेष राशि के लिए मैंने मना किया था कि मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं, शक्कर हो गई या उसके अलावा तांबा हो गया, ऐसी चीज़ों का, गुड़ हो गया, ऐसी चीज़ों का दान इन लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, जिनके मेष लग्न की जिनकी कुंडलियाँ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी वृश्चिक लग्न की कुंडलियाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद करूँगा धनु राशि की बात। धनु के मालिक हैं गुरु, जिनके पास समझदारी का पोर्टफोलियो है। समझदारी आपकी, अगर आपके दिमाग में बातें हैं, समझदारी वाली बातें हैं, तो आप किसी को ज्ञान बांट सकते हो, वरना ज्ञान आपका जो होगा कोई नहीं सुनेगा, किसी को उससे फ़ायदा नहीं होगा। गुरु के पास बहुत पोर्टफोलियो हैं। धनु राशि वालों को किसी भी येलो कपड़े का, जो चने की दाल होती है ऐसा दान, या कुछ भी ऐसी येलो चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। केसर का दान इनको नहीं करना चाहिए। इनको केसर लेना चाहिए, केसर खाना चाहिए, इनको केसर दूध में डाल के पीना चाहिए, लेकिन दान इनके लिए बिल्कुल वर्जित है। इसके बाद बात करूँगा मकर और कुंभ की, जिसके मालिक शनिदेव हैं। शनिदेव जिसके मालिक हैं उनको ऐसा कोई दान नहीं करना चाहिए जो उनके लिए नुकसानदायक हो। लोहे की कोई चीज़, काला कपड़ा, काले रंग के तिल, ऐसा दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी की हेल्प अननेसेसरी ऐसी चीज़ देख के नहीं करनी चाहिए, वरना शनि के नलिफाई करने वाले इफ़ेक्ट्स आपकी ज़िंदगी के सुखों में नलिफाई कर देता है ऐसा दान जो आप कर देते हो बिना सोचे समझे। काले कपड़ा, कोई भी लोहे की चीज़, कोई भी किसी तरह का ऐसी आइटम जो शनि के साथ जुड़ी हुई है, कोई सरसों का तेल हो गया, ऐसा दान इन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बात करूंगा धनु की तरह ही मीन राशि की। जैसे मैंने धनु के लिए जो दान मना किए हैं, वैसे ही दान मीन राशि वालों के लिए भी वर्जित हैं। पीला कपड़ा, पीले रंग की कोई भी चीज़, कोई केसर या हल्दी या किसी तरह का भी येलो चीज़ जो होती है, जो गुरु को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा दान नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये तो मैंने की अभी सिर्फ 12 राशियों की बात, अब मैं बात करता हूँ ग्रहों के हिसाब से कौन सा दान बनता है और कौन सा दान नहीं बनता। सूर्य जब मेष राशि में होते हैं तो ऐसे बंदों को गुड़ का दान बिल्कुल वर्जित है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सूर्य जब मेष राशि में होंगे, सूर्य एक नंबर राशि में होंगे, ऐसे लोगों को गुड़ का दान, शक्कर का दान, कोई भी ऐसी चीज़ का दान जो सूर्य से जुड़ी हुई है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गेहूं कभी भी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। शुक्र जब अपने घर में हो, दो नंबर राशि में हो, सात नंबर राशि में हो, या मीन राशि में हो, 12 नंबर राशि में हो, तो भी ऐसे लोगों को शुक्र का दान नहीं करना चाहिए। बुध जब 3 नंबर राशि में होंगे, 6 नंबर राशि में होंगे, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बुध से जुड़ी हुई चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। आप अपनी बुध को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप अपनी बुआ को, अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर दान की बात करें तो दान ऐसी चीज़ों का बाहर हेल्पलेस लोगों को आपको बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद बात करूँगा कर्क राशि वालों की, चंद्र वालों की। चंद्र जिनका चौथे घर में होता है, ऐसे लोगों को चंद्र से जुड़ी हुई चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि चंद्र का आप दान करोगे, चंद्र वीक होगा, माइंड वीक होगा, तो सब कुछ उल्टा सीधा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब चंद्र 2 नंबर राशि में होगा तब भी उसका दान जो है वर्जित है। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा 5वें घर की, जिसके लॉर्ड हैं सूर्य। सूर्य की चीज़ों का, अगर सूर्य अपने घर में होते हैं या सूर्य मेष राशि में होते हैं, तो ऐसा दान बिल्कुल भी नहीं कीजिए। इसके बाद बात करूंगा 6 नंबर घर की, इसके मालिक बुध हैं। बुध जब 6 नंबर में होगा, जैसे 3 नंबर राशि का मैंने दान मना किया है, वैसे ही बुध का दान, 6 नंबर जो मालिक हैं जिसके बुध हैं, बुध जब 6 नंबर राशि में होगा या बुध उच्च पोजीशन में पड़ा हुआ होगा, तो आपको बुध की चीज़ों का दान नहीं करना। 7 नंबर राशि शुक्र की बात करूंगा। शुक्र जब भी 12वें घर में होंगे, 12वीं राशि में होंगे, 12वें घर में नहीं, 12वीं राशि में होंगे, जब भी मीन राशि में होंगे, तो आपको शुक्र का दान नहीं करना। चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ शुक्र की कौन सी हैं, ऐसी चीज़ों का दान आपको बिल्कुल नहीं करना। 8वें घर की बात करूँगा, जिसकी
मालिक मंगल हैं। मंगल जब भी उच्च का होगा, जब भी वो 10 नंबर राशि में पड़ा होगा, तो ऐसे इंसानों को मंगल से जुड़ी हुई चीजों का दान नहीं करना चाहिए। बात करूंगा नौवें घर की, जिसके मालिक गुरु हैं। गुरु जब भी 12 नंबर राशि में होते हैं, कर्क राशि में होते हैं, 4 नंबर राशि में होते हैं, तो भी उसका दान जो है बिल्कुल वर्जित है। चीजें आपको मालूम है जो मैं बता चुका हूं, ऐसी चीजों का दान भी आपको नहीं करना। शनि जब 10 नंबर राशि में होंगे, कुंभ में होंगे, मकर में होंगे, या वो तुला राशि लगन में होंगे, तुला राशि के मालिक होंगे, तो भी ऐसी इंसान को शनि का दान नहीं करना चाहिए। बात करूंगा 12वें घर की, जिसके मालिक गुरु हैं। गुरु जब, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, गुरु जब भी उच्च के होंगे, या 4 नंबर राशि में पड़े होंगे, या 12 नंबर राशि में पड़े होंगे, ऐसे इंसान को गुरु की चीजों का दान बिल्कुल भी वर्जित है। देखिए दान बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं बहुत जरूरी है, लेकिन कीजिए ऐसे जो परमिशन आपकी कुंडली में ग्रहों ने दे रखी है। एक बहुत स्ट्रांग प्लेनेट होता है, उसका आप दान किए जा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा तो आपको क्या होना, आपको उसका नुकसान मिलता है। बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है और आप सोच रहे मैं दान कर दूं, तो आप कहां से दान करोगे? या तो किसी से उधार लेके दान करोगे, या फिर किसी से दस्ती पैसे पकड़ के दान करोगे। तो मैं इस चीज को तो समझता नहीं हूं कि आपके पास जेब में आपके 10 रुपए भी नहीं है, आप 100 का दान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडली में अगर पीछे सपोर्ट है तो दान कीजिए, अगर कुंडली में पीछे सपोर्ट नहीं है तो दान करने का सोचे भी मत। सिर्फ वो चीज़ें दान कीजिए जिसके प्लेनेट नीच के हैं, वो उस चीज़ का दान कर सकता है। जिनके प्लेनेट उच्च के होते हैं, वो बिल्कुल दान के बारे में, उन चीज़ों के दान के बारे में सोचे भी ना। और देखिए हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से दान देकर कि कुछ अच्छा करने की, लेकिन यहाँ पर खुद नॉलेज ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो एक अच्छे कार्य में हमारे शामिल हो भी रहा है या फिर नहीं। मेरे पास कविता बहुत केसेस ऐसे आते हैं जो लोग, श्रद्धा बहुत है उनके दिल में, कोई खोट नहीं है किसी तरह की, किसी तरह की उनके मन में बेईमानी नहीं है, वो बिल्कुल अपने दिल से सेवा भी करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन कहते हैं सर हम इतना ईमानदारी करते से काम करते हैं, हम इतना दान पुण्य भी करते हैं, प्रॉब्लम हमारी ख़त्म नहीं होती सर, हम इतने परेशान हैं हम आपको बता नहीं सकते। और एक इंसान आके मेरे पास कहता है कि सर मैं तो दान भी नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो मंदिर में नहीं जाता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ दान कर रहा होता है, बाद में वो बताते भी हैं कि मैंने ये चीज़ कभी ऐसे दी थी, तो वो एक बार का किया वो दान उसके लिए हमेशा के लिए काम कर जाता है। एक चीज़ मैं आपको साथ साथ और बता दूं कि जिन दानों को मैंने मना किया है, जिन दान को मैंने रोका है आपको करने के लिए, ये रूटीन की बात कर रहा हूं मैं, इनको रूटीन मत बनाइए। वंस इन अ वाइल आप दे रहे हैं, इट इज़ ओके, लेकिन जैसे बुधवार की रूटीन बना लिया हर हफ्ते की, ऐसा मत कीजिए। ये तब दान आपको नुकसान करते हैं, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये दान तब नुकसान करते हैं जब आप उसको रूटीन बनाते हैं। कभी एक बार दिया, दो बार दिया, ये चलेगा, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये प्रूव्ड चीज़ है। लेकिन रूटीन जो है ना, रूटीन बनाना जो होता है, वो दान उसके असर शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये दान आप रूटीन में कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, कभी कभार किया तो वो चलेगा। जी बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से सुनील जी अभी समय आ चुका है कि हमें इतनी ज़्यादा ईमेल्स जो आती हैं रेगुलर लाइन में, तो और इसके साथ साथ यानी कि व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो भी फुल आजकल रहने लगे हैं। तो फिलहाल मैं उस खुशकिस्मत की ईमेल आज इस शो में ऐड करने जा रही हूँ। तो उनका नाम है नवा शहर से 36 साल के विकास पुरी जी की। तो सबसे पहले उन्होंने नमस्ते आपको भेजा है। सर आपका शो बहुत यूनिक और सबसे अलग है, और वाकई में ये बात सच भी है। खासकर जो लोग ज्योतिष का मिस यूज़ कर रहे हैं, कम से कम लोग अब उनसे बच कर रहेंगे। मैं ज्योतिष को बहुत मानता हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखता हूँ। मेरी कुंडली में काल सर्प योग है और जैसे आपने बताया था वैसा ही है। डिग्री बहुत प्रबल है। आज जब मेरे सब दोस्त सेटल्ड हैं, मैं सिर्फ स्ट्रगल कर रहा हूँ। देखिए सभी उनके विकास जी आपकी जब हमने मेल चूज़ की थी, जब हमने आपकी, मैंने उसके बाद आपकी कुंडली देखी थी। मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वक्त, क्योंकि टाइम कम होता है, कुंडली एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। एक 2-4 मिनट में आप कुंडली किसी की एक्सप्लेन नहीं कर सकते, काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। फिर भी जो आपकी जो सेटलमेंट की आप बात कर रहे हैं, और आप जो काल सर्प योग की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काल सर्प योग का आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल उसका रोल है, उसकी वजह से आपकी सेटलमेंट जो है वो नहीं हो रही है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा उपाय बताने जा रहा हूँ, ये आपको घर पर ही करना है, घर से शुरू करना है और मंदिर तक करके आना है। उपाय क्या है,
सिंपली आपको एक पारद शिवलिंग लेके उसको अपने पैसों से बनवा के शिवाला मंदिर शिवलिंग के पास रख के आना है, रखना वहाँ है जहाँ उसकी सेवा हो सके। आप तो करें करें मंडे के मंडे, बाकी लोग भी आके उसकी सेवा करें। ये जो आपको करियर में दिक्कत आ रही है, आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं और आपके जो बाकी दोस्त सेटल हो चुके हैं, ये आपको सेटलमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं जो आप मुकाम ढूंढ रहे हैं वो मुकाम आपको मिल जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है जी, कई बार कालसर्प योग कुंडली में बहुत वीक होता है, उसको कालसर्प योग कहा जाता है। आपकी कुंडली में कालसर्प योग का बहुत इफेक्ट है, ये मैंने देखा है, ये मोटा मोटा रीज़न आपकी कुंडली में है। तो इस चीज़ को आपको, ये जो मैंने उपाय बताया है ये आप कर लीजिए। इसके आप ज़्यादा दिन तो मैं नहीं कहता होता, लेकिन महीने में आपको इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। उस शिवलिंग को जिसको आप मंदिर में चढ़ा के आए हैं, आपको उसकी सेवा करनी है। सेवा क्या करनी है, सिर्फ आपको मंडे के मंडे तो ज़रूर जाना है आपको मंदिर। रूटीन बनाइए, सुबह 9:30 बजे से पहले पहले मंदिर जाके उस शिवलिंग पे दूध चढ़ा के आइए, कच्ची लस्सी चढ़ा के आइए, तो आपको ये रिजल्ट्स जो हैं बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। विकास जी, मेरे ख्याल से जो आपको उपाय फिलहाल यहाँ पर समझाए गए हैं, बताए गए हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिए और देखिए कि वाकई में जो आपकी पैसा नहीं बन पा रहा है, टिक नहीं पा रहा है, आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका डेफिनेटली आपको जो बेटर जो वे है वो आना नज़र ज़रूर शुरू हो जाएगा। फिलहाल देखिए सुनील जी, इन्होंने लिखा भी कि खुद को इनको नॉलेज भी है ज्योतिष की, लेकिन इसके बावजूद भी एक विश्वास जो है यहाँ पर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कविता, विश्वास की बात तो ये कर रहे हैं और ये एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, मेरे पास कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं जो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या रहती है कि सर हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ऑनेस्टली कर रहे हैं, हम दिल से कर रहे हैं, हम किसी को ठग नहीं रहे, हम उनको कुछ गलत मतलब गाइड भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारे जो हम जो उपाय बताते हैं उनसे रिजल्ट नहीं आते। एक मैं चीज़ आपको बता दूँ, कुंडली वही देख सकता है जिसकी कुंडली में योग होते हैं कि इससे किसी की हेल्प होगी, इससे किसी का भला होगा। सिर्फ योग होते हैं कि किसी की तरफ से आपको यश मिलना हो, या योग कुछ ऐसे होते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे योग होंगे कि आप कोई आपकी तरफ से किसी की हेल्प होगी। ज्योतिष हर कोई कर सकता है, ज्ञान हर कोई बांट सकता है, उपाय हर कोई बता सकता है, लेकिन काम किसके करते हैं, जिसकी कुंडली में यश होता है, जिसकी कुंडली में लिखा होता है कि इस इंसान की तरफ से ही तेरे को सपोर्ट मिलेगी, इस इंसान की तरफ से तेरी हेल्प होगी और इसी से ही तेरे को हल मिलेगा। तो कुंडली आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मिसगाइड नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योगों को समझिए। डॉक्टर जो होते हैं, कई बार डॉक्टर होते हैं, उनसे कईयों डॉक्टरों से लोगों को बड़ी जल्दी आराम आ जाता है। आपने सुना भी होगा कि हम किसी डॉक्टर के पास गए जी, हमें बहुत जल्दी उनसे जो आराम मिला, लेकिन वो सेम डिग्री लेके एक दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ है, वहाँ से आपको मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा, उनकी मेडिसिन भी रिएक्ट कर रही है। कई बार ये चीज़ें आम सुनने में आती हैं। ऐसे ही ज्योतिष में भी है, जिसके हाथ से कोई हेल्प होनी होती है उसी से ही होती है। इसलिए कई बार आप लोगों के जो ज्योतिष कर रहे हैं आपके लोगों के उपाय काम नहीं करते, ये बात आपको समझनी होगी। जी बिल्कुल। फिलहाल ये तो थे विकास पुरी जी खुशकिस्मत, जिनकी हमने ईमेल यहाँ पर आज शेयर की है, और इसी के साथ क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, एक व्हाट्सएप भी मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, पढ़ना चाहूँगी। ये है पूजा अग्रवाल जम्मू से, हमारी खुशकिस्मत व्हाट्सएप कॉलर, जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है, और इनका कहना है कि पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एस्ट्रोलॉजी को एक ऊँचा स्तर देने की कोशिश की है और शायद काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी मिल रहा होगा। मेरी डिटेल्स में नीचे मैंने उन्होंने भेज दी हैं, आपने जरूर चेक की होंगी सुनील जी। तो इनका कहना है कि इनकी शादी को 9 साल हो गए लेकिन अभी तक इनके घर में किसी भी बच्चे की जो किलकारियां अभी तक नहीं गूंजी हैं। इसका कारण जानने की कोशिश की है, मींस हमने सभी मेडिकल इन्होंने सेंटर्स में भी टेस्ट वगैरह करवाए हैं लेकिन इसके बावजूद दोनों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए इनका नाम बताया आपने, पूजा जी। पूजा जी, आपकी कुंडली मैंने जहाँ तक चेक की है, आपकी प्रॉब्लम जहाँ तक चेक की है मैंने, आपका पहले जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ये डायग्नोज ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम है किस में है। प्रॉब्लम दोनों में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, कुंडली के अंदर। किस घर में प्रॉब्लम है, 5th हाउस में, और कहाँ प्रॉब्लम है, आपके 9वां चार्ट में। मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कुंडली मैच करते हैं सोच समझ के कीजिए, बहुत घर चेक करने होते हैं उसके बाद हाँ की जाती है। मेरी ज़्यादातर कुंडलियाँ जो वो रिजेक्ट हो जाती हैं इसी जगह से, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं योग की कमी होती है, सुख में कमी होती है, मैं उस कुंडली को रिजेक्ट कर, हाँ 70% जब कुंडली मैच करती है तो मैं ओके कर देता हूँ, अगर वो 60% भी रह जाती है तो मेरी ना होती है, बाकी आपकी मर्जी होती है,
आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको ना ही मिलेगी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है आपको सही रास्ते पे लेके आना, सही रास्ते आपको गाइड करने। तो मेरा इसलिए मेरी हमेशा ये गुजारिश रहती है कि कुंडली किसी अच्छी जगह से मंगवाइए और चेक अच्छे से चेक करवा के फिर ही उसके आप अमल कीजिए कि इसको हाँ करनी है या ना करनी है। आप समझदार हैं, आपका दिमाग भी काम करता है, आप अपना अच्छा बुरा जानते हैं। हम बात कर रहे थे पूजा जी की। पूजा जी फिफ्थ हाउस केतु देव बैठे हुए हैं और वो भी नीच के। जब केतु नीच के होते हैं, पहले तो ये औलाद में कमी कर देते हैं, दूसरा ये अगर दे भी देते हैं तो सिजेरियन केसेस बहुत रेयर हैं, सर्जरी बहुत रेयर है। एक तो होता है कि कुंडली में बच्चों का योग ही नहीं होना, लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है, आपकी कुंडली में बच्चे का औलाद का प्रॉमिस है, आपको औलाद भी होगी। थोड़ी लेट हो गई है, शनि की कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ रही है पांचवें घर पे, नमाज चाण में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। आप चलो ज़्यादा मैं आपको नहीं इसे मैं डिफाइन करूँगा, आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय आपको कर लेना चाहिए। तीन उपाय आपको बताऊँगा। पहला उपाय, घर के ऊपर एक येलो कलर का या रेड कलर का झंडा लगा दीजिए, इसको आज ही कर दीजिए, इसको आप ज़्यादा वेट मत कीजिए। रादर इसको मेरा शो आप देख रहे हैं तो अगर रात का समय है तो रात के समय तो नहीं करना, ये सुबह के टाइम पे करना है, ये आप कर दीजिए। एक नंबर। दूसरा नंबर, कान के पीछे केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए, आपके भी और आपके हस्बैंड के भी केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए। ये 43 दिन आपको लगातार करना है, ये घर का उपाय है इसलिए मैं 43 दिन बोल रहा हूँ, ये आप काम शुरू कीजिए। इसके अलावा तीसरा उपाय, आपको कुत्तों को दूध जो है ये दान करना है। कब करना है? रात के टाइम जब सूर्य ढल रहा हो, शाम को दोनों मियाँ बीवी कोई काला कुत्ता ढूंढें या कोई सफ़ेद कुत्ता ढूंढ के उनको दूध देना शुरू कर दीजिए। इसका कोई दिन नहीं है, इसका कोई वार नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये करते जाइए, आपको खुशखबरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये तीन उपाय कीजिए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो हैं आप ढूंढ रहे हैं ये मिलनी शुरू हो जाएंगी। जी सर, पूजा जी आपकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही जेन्युइन है, अक्सर ऐसा बहुत सारी फैमिलीज में देखा गया है। तो फिलहाल आपके लिए जो यानी कि आपका जो चार्ट देखा गया, आपकी जो कुंडली देखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो हमने सोल्यूशन बताया, आपको जो हल बताए हैं फिलहाल सुनील जी ने, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, उनको इस्तेमाल कीजिए और देखिए डेफिनेटली आपका जो परिवार है वो किस तरह से खुशियों से भर जाएगा। फिलहाल सुनील जी का जो नंबर है वो फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं और अपने लिए अपॉइंटमेंट आज ही फिक्स कीजिए, क्योंकि कल का हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ घटित हो सकता है, क्या कुछ नया जो एक प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं शुरू हो जाए, इससे पहले उसका बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, टाइम निकाला आज के इस प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों इसी के साथ मुझे कविता सिंह को भी दीजिए इजाजत, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ, इसी वादे के साथ, क्योंकि आज इस तरह हमने डिस्कस किया कि कौन से दान हमें फिलहाल नहीं करने चाहिए और यही जानेंगे कल के एपिसोड में कि कौन से दान फिलहाल हमें अकॉर्डिंग टू राशि कौन से दान करने चाहिए। इसके लिए देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम द एस्ट्रो ओपीडी। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। लुधियाना और अमृतसर वालों के लिए सुनील जी से मिलने का मौका। सुनील कुमार जी जल्द ही आपके शहर में आ रहे हैं। अगर आप पर्सनली सुनील जी से मिलकर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142, 7696286065। सुनील जी हर हफ्ते संडे को चंडीगढ़ में अवेलेबल होते हैं। अगर आप सुनील जी से चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9779142142, 7696286065।